खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। ये नामिनेट पोस्टों में मुसलमानों को TSPSC कंपनी में तारीख में देखो, TSPSC में एक मुस्लिम मेंबर नहीं, तो KCR साहब की हुकूमत ही चाहिए, KCR साहब की हुकूमत ही चाहिए। आप बोल के रहते उसमें भी एक मुसलमान ग्रंथालय चेयरमैन नहीं है, नॉमिनेट मार्केट कमिटी चेयरमैन नहीं मिलते, डायरेक्टर्स नहीं मिलते, ये पूरे KCR साहब के हाथ में है, लेकिन कुछ भी नहीं करते मुसलमान। अर्बन सेंटर में 15,000 देते थे, रूरल एरिया में 10,000 रुपए देते थे। ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उससे पहले TDP गवर्नमेंट भी थी, लेकिन हमारे KCR साहब आने के बाद ये ग्रांट इन एड के नाम पे मस्जिदों के लिए चुना पानी करने के लिए रमजान के महीने इन्होंने बंद कर दिए ये पैसे। और 268 जॉब्स है, बताइए कितनों को जॉब्स मिले गवर्नमेंट जॉब्स। निजामबाद में 2,000 जॉब्स है, मिचल में, रंगारेड्डी में 1,500 जॉब्स है, करीमनगर में, ऐसा पूरी 33 डिस्ट्रिक्ट की है लिस्ट। इसमें से माइनॉरिटीज को क्या जॉब्स मिले, हम सवाल नहीं कर सकते। अब ये तो हमारे उन्वान थे, अब हमको KCR साहब जो देते बोलते हैं वो नहीं दिए, हमको एक्सपोज करना है। मैं आपके साथ पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट में, मैं हमारी पूरी टीम, जितने हम ख्याल लोग हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके एक्सपोज कर सकते। मंगने का टाइम KCR साहब से खत्म हो गया, मंगने का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अब उनको उनका हर चीज बताना है, अब हम कुछ चीज नहीं दे सकते, थोड़े दिन में इलेक्शन कोर्ट लग जाता, वो लोग फिर हसीन खाब दिखाएंगे हमारे को। अगर एक बार मुसलमान धोखा खा सकता है ईमान वाला, ये हदीस है, दूसरी बार अगर उन्हें धोखा खा रहा तो उन्हें मुसलमान नहीं, तो हम बार बार धोखा नहीं खा सकते। अब मैं आपको बताता हूँ उनके जो बेसिक वादे थे हमारे वास्ते, हमको उन्होंने बोले थे कि इस्लामिक सेंटर मुसलमानों के लिए हाईटेक सिटी में 10 एकड़ पे दे तो बोले थे। उनके हामी भरे थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप हम पूरे जाएंगे, प्ले कार्ड लेंगे, हाईटेक सिटी पे ठहरेंगे, हर चौरस्ते पे, हर सिग्नल पे ठहर के बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इस्लामिक सेंटर की लैंड कहाँ है, इस्लामिक सेंटर कहाँ है। आप देते बोले थे, काम चालू हो रहा था। नेक्स्ट आप हमारे को बोले थे कि आलीशान रुबात बना के दूंगा शमशाबाद एयरपोर्ट पे, यहां तक तो हमको हाजियों से भी मिलने नहीं दिए, शमशाबाद एयरपोर्ट पे रुबात बना के देते बोले। शमशाबाद एयरपोर्ट जाके ठहर के पूछेंगे हम कि भाई जो आप हमारे हाजियों के लिए रुबात बना के देते बोले थे, आपको मैं बता दूं जो आप हज हाउस की बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो किराए पे है, वो वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग है, हाजियों का जो किराया होता है, हज हाउस का जो किराया होता है, हज हाउस वक्फ बोर्ड को देना, तो वो हाजियों के लिए भी बिल्डिंग जो है आप देते बोले नहीं दिए। 50 करोड़ से आप जहांगीरपुरा दरगाह डेवलप कर दे बोले, हम वहां जाके ठहरेंगे, प्ले कार्ड बताएंगे कि जहांगीरपुरा की दरगाह का काम क्यों नहीं हुआ। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं नहीं जो उनके पॉइंट से मैं वो बोल रहा हूँ, अगर आप बेहतर बोलते आप बोलो, लेकिन उनके जो पॉइंट से देखिए, 1,000 लोग लोन के लिए डाले, 60 करोड़ रुपए का लोन है सलीम बादशाह साहब, 1,500 रुपए पर आदमी को खर्चा आया अपने सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। कैलकुलेटर्स लीजिए या मोबाइल में कैलकुलेट करिए आप, 1,500 × 2.5 लाख, 38 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए, आपको 50 करोड़ 60 करोड़ का लोन देने के वास्ते, तो ये आपसे इंसाफ ही नहीं हो रही, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप बेवकूफ बन रहे, ये एक्सपोज करना है हमको। आज ये प्लेटफॉर्म पे जितने लोग आए, हर पार्टी से वाबस्ता है, लेकिन हम एक कौम की बात कर रहे हैं, एक हमारे जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो हम खुल के बात करना चाहिए। अगर मैं कहीं गलत हूँ बिल्कुल मेरे को बोल सकते, मेरे को नादिन कर सकते, या मैं आपको नादिन कर सकता हूँ। आप आज सलीम पाशा साहब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर के और स्टेट के काफी फिक्रमंद हजरात आए हुए हैं यहाँ पे, और आप सब चीज बोल दिए हैं, मैं सिर्फ अपना व्यू दूंगा इस पे। आप 10 मुस्लिम MLA बोले, अब प्लान ऑफ एक्शन में आपको ये बोलूंगा कि अब हमारे को KCR से कुछ पूछना नहीं है, इसीलिए पूछना नहीं है कि हम इतने जितने चीज रखे ये या तो नई गवर्नमेंट दे सकती है हमको, या हम ये किसी के मैनिफेस्टो में देके उसको वोट डालवा सकते हैं, ये हमारा काम है, क्योंकि हम ये पूछ नहीं सकते, टाइम उतना नहीं है, हम एक्सपोज कर सकते हैं KCR के फेल्यूर्स। जैसा कि 10 MLA नहीं दिए उन्होंने, रिजर्वेशन नहीं दिए, और 10,000 करोड़ आप बजट बोल रहे, उन्होंने 2,000
मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हूँ। 2014 में उन्होंने 307 करोड़ दिए बजट, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 10,000 भूत वो है। फिर कमिश्नरेट, कमिश्नरेट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमको एक्सपोज करना है। केसीआर साहब कमिश्नरेट के लिए शादनगर में बोले, एक ऐलान करे थे कि मैं 12% रिजर्वेशन देता हूं, नहीं दिए। दूसरी चीज, केसीआर साहब ऐलान करे थे कि मैं वक्फ को जुडिशियल पावर दूंगा और जहां जहां वक्फ की अराजी है उसको हासिल करके दूंगा। ये एक चीफ मिनिस्टर का अपने मैनिफेस्टो का ऐलान था जो एक तबके से शुरू करे थे। अब सबसे ज्यादा लोगों को मालूम है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी अगर कोई जायदाद है तो दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन है। उसके वास्ते केसीआर साहब, सिक्योरिटी साहब के दौर में जमा हो गए थे 400 करोड़ रुपए। केसीआर साहब सुप्रीम कोर्ट में अपने आला वकीलों को लगाकर ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ बोलो डाल के इसमें पार्टी बनाए। एक पार्टी है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी है वक्फ बोर्ड। तो कस्टोडियन और गार्डियन दोनों केस लड़े, ना इसमें कोई लैंको वाला है, ना कोई डेलाइट वाला है, ना कोई एमएनसी कंपनी है। ये केस लड़े चीफ मिनिस्टर साहब वक्फ बोर्ड से और अपने आला वकीलों को लगाकर, वक्फ बोर्ड के वकीलों को डमी कर, वक्फ बोर्ड के लॉ सेक्शन को बंद कर आप ये केस जीत गए। और इसमें एक ऐसा ऑर्डर लेके आए हैं, फिरका परस्त ऑर्डर इसमें ऐसा है कि जितने इंडिया में गजिट है वक्फ के वो नल एंड वाइड है, सेट असाइड करा दिया, तो कोई भी गजिट की अहमियत नहीं रखे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आज तक कोई कौन हारे और कौन जीते, अरे हम लैंड को हार गए, हम लैंड को हार गए, केसीआर साहब भी बोल रहे लैंड को हार गए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में बोल रहे साहब रिव्यू पिटीशन डालिए। अरे भाई खींच लिए तुम, ले लिए तुम, अब रिव्यू पिटीशन किसके ने डालेंगे? एक एफिडेविट देना है, इस पे भी अगर मैनिफेस्टो में आप अगर अपने ऐड करें हमारे वापस दो। आप नागा चलाते बोले थे तेलुगु में, हमारी ये 5 लाख की जमीन है ये, आप हमारे वापस दो और जितनी खाली है इमीडिएटली मैं 40 डेज में देता हूं बोले, ये नहीं दिए। ये जुडिशियल पावर का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। उसके बाद फिर आप रेसिडेंशियल स्कूल्स बोले, मैं रेसिडेंशियल स्कूल्स का इंटरनल सर्वे दे रहा हूं आप लोगों को। माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल में नॉन माइनॉरिटीज भी पढ़ते हैं, नॉन माइनॉरिटीज भी पढ़ते हैं, उसको माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल नहीं बोलना। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल दौरे इख्तदार राजेश्वर रेड्डी साहब में भी था, शादी मुबारक भी राजेश्वर रेड्डी साहब के दौर में भी थी, कांग्रेस के टाइम में भी थी। सिर्फ इसको थोड़ा चेंज करें और रेसिडेंशियल स्कूल के जितने बिल्डिंग्स है, जैसा सलीम पाशा साहब बोले, इट शुड बी ऑन वक्फ बोर्ड, वक्फ के लैंड पर बनाओ, वक्फ को किराया आता, वक्फ की प्रॉपर्टी भी सिक्योर थी, अपॉइंट करिए, वक्फ के लैंड पर बनाइए आप रेसिडेंशियल स्कूल। दूसरी चीज, ये पूरे जितने टीआरएस के आसामी है उन लोगों के बिल्डिंग से, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ ये चीज बोल रहा हूँ, जितने मैक्सिमम बिल्डिंग्स है ये टीआरएस के लीडर्स के हैं या उनके हामी लीडर्स के बिल्डिंग्स है, जिसको 8 लाख 10 लाख रुपए महाना किराया आ रहा, इवन केटरिंग भी जो उसकी जा रही वो भी वो लोग की है, तो ये बिजनेस उन लोगों को मिल रहा है। अब उसके बाद डबल बेडरूम है, डबल बेडरूम आज तक नहीं मिले हमारे को, ना आज तक हम उसकी पैरवी करें। और उसके बाद आपके कब्रस्तानों की प्लेस, खबरस्तानों की प्लेस उन्हों देंगे कहां से, खबरस्ताना उन्हों तोड़ दे रहे, हम जाके रुका है तो खबरस्तान नहीं, हमारे पे केस बुक करते बोल रहे। तो इन चीजों को हमको उन्होंने हमारे को इस्तेमाल कर लिए, हमको एक्सपोज करना है। सबसे बड़ी चीज उन्होंने मुसलमानों का एक सबसे बड़ा जो असासा था लैंडो की प्रॉपर्टी, जो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की प्रॉपर्टी थी, वो कोई नहीं, केसीआर साहब लूटे। एक लूटने वाला आपको कुछ बात सकता क्या? जो आपका बचाने का वादा करा वो आपसे खींच ले रहा, आपका खून चूस ले रहा, उन्हें आपको क्या देगा? और उसके बाद आप देखिए इफ्तार पार्टी है, इफ्तार पार्टी में 50 से 60 करोड़ रुपए हकीकत इस्तेमाल हो रहे, ना कोई मुस्तहिक खा रहा, कॉन्ट्रैक्ट भी उनके लोगों को मिल रहा, जैसा सलीम पाशा बोले हुडिंग्स भी उनके लग रहे, हर वो चीज उनकी हो रही। तो ये भी कोई हमारे लिए बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा अनुमान है कि भाई माइनॉरिटी फंड से आप बिल्कुल भी नहीं लेना, हम बायकॉट करते इफ्तार पार्टी को, आप जो दे रहे हैं वो दे दीजिए, आप जो क्वालिटी के कपड़े दे रहे हैं वो कहां पे से ला रही, कहां पे उसकी पैकिंग हो रही, मेरे कहने उतनी तक इन्फॉर्मेशन है। आखिरी जो कलर की दुकान पे जाते हैं आप एक साड़ी बोल के लेते। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।